वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। पंजाब पांच दरियावां की धरती, गुरुआं पीरां पैगंबरां संतां की चरण छोह प्राप्त बड़ा खुशहाल सूबा, जिथे कि हवा पौन पानी ते वातावरण इत्थों दा बड़ा साफ सुथरा आ। हर कोई जड़ा अपने वातावरण नूं बचा रहा आ। तो मैं जे कुल मिला के गल करां कि पूरे भारत वर्ष दे विचों सब तो खुशहाल सूबा जड़ा आ असी कह सकते हैं कि अज पंजाब आ। पर समा अजिहा आ गया जिहदे करके कि गर्मी वध रही आ, ते मौसम तुहाडे सामने तुसी कुछ दिन देख रहे हो कि कदे बदल हुंदा, कदे वर्खा, कदे कुछ, कदे गर्मी ज़्यादा पैंदी आ। इहदा कारण आ ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्लोबल वार्मिंग का वधन का मुख्य कारण की आ कि असी दरख्तों की कटाई करन जा रहे हां, करदे हां अपनी बिल्डिंग्स बनाउण लई, घर बनाउण लई। तो इसलिए लोड आ कि असी वध तों वध दरख्त लगाइए कि अपने पौन पाणी नूं, हवा नूं, क्योंकि जिथे भी दरख्त हुंदे आ उत्थे दा जिहड़ा पौन पाणी आ, उत्थे जिहड़ा उत्थे दा वातावरण आ बिल्कुल सही रहिंदा आ। इस करके जरूरत आ अज सानूं हंबला मारन दी, रल मिल के अगे वधण दी कि वध तों वध रुख लगाइए। इसे परंपरा नूं मुख रखदिआं अज मैं पहुंचा आ ज़िला हुशियारपुर दे कस्बा गढ़दीवाला दे नज़दीकी पिंड खानपुर विखे, जिथे उत्थे दे नौजवानों ने, उत्थों दे पदवंते सज्जणा ने, शहीद बाबा दीप सिंह स्पोर्ट्स एंड वेलफेयर क्लब खानपुर, जिहड़े कि खेडां वल भी नौजवानों नूं उत्साहित करदे आ, ते हुण वातावरण प्रेमी भी आ, ते वातावरण नूं अच्छा बनाउण दे लई अपने इलाके दे विच बहुत अच्छा इन्हां ने हंबला जिहड़ा उलीकिया आ लै के आए आ। अपने क्लब के नौजवानों नूं तुसीं देख रहे हो, सारे क्लब के नौजवान आ, बजुर्ग आ, क्योंकि नौजवानों नूं नाल लै के बजुर्ग जदों चलदे आ ते ओह पिंड, ओह शहर, ओह ज़िला, ओह स्टेट, ओह देश तरक्की करदा आ। ते इसे मंतव नूं पूरा करदे आ अज साडे नाल आ मनजीत सिंह खानपुर। मैं मनजीत सिंह खानपुर बारे दसना चाहुंदा आ कि जिन्हां ने जदों किसान संघर्ष चलदा सी दिल्ली विखे, इन्हां ने अपना जिहड़ा तनो मनो तनो विशेष सहयोग उस किसानी अंदोलन नूं कामयाब बनाने विच बहुत दिता आ। मैं सब तो पहला तुहानूं सारिआं नूं वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। ते भाजी हुणां नूं मैं रूबरू करवाउण जा रहा। सब तो पहला असी गल करांगे मनजीत सिंह खानपुर। भाजी सब तो पहला तो मैं तुहानूं मुबारकबाद इस लई दिंदा कि तुसीं आ जिहड़ा हंबला जिहड़ा सिरजिआ आ, इह जिहड़ा विशेष उपराला, इहदे बारे जरूर दर्शकां नूं चानणा पाओ जी। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरू जी की फतेह। इस तरह गुरप्रीत सिंह जी, आ जी ग्राउंड है ये बड़ी छोटी सी, इतनी मिट्टी पा के इन असी खुलिया किया, तो मन के बच्चे बड़ी देर तो सगा कि असी जो वातावरण संबंधित जो इतने फुल बूटे लाइए, लेकिन वह बिल्कुल सोने से सुहागा उदों हो गया जदों साडे जथेबंदी सरदार बलवीर सिंह जी राजेवाल संयुग समाज मोर्चे जो प्रधान ने, उन्होंने एक प्रोग्राम दिता कि पूरे पंजाब दे विच मोटरां दे उत्ते दस दस बूटे लगाने आ, प्लाटां दे विच बूटे लगाने आ, खुलियां जगह दे विच बूटे लगाने आ। ते ओह सानू बड़ा चा चढ़िया इस गल इह गल सुण के, और ओह गल जिहड़ी सीगी ओह मैं आ के अपने नगर शहीद बाबा दीप सिंह स्पोर्ट्स एंड वेलफेयर क्लब दे नौजवान सारे मैं इहनां नाल शेयर कीती, और इहनां ने विश्वास दवाया कि असीं सिर्फ अपने पिंड नहीं, जिन्नियां पिंडां दे विच भी घट्टो घट असीं 20 पिंडां नाल संपर्क कर चुके हाँ, उन्हां सरपंचां मिल चुके हाँ। हुण प्रोग्राम आपां लिख के आया कि अज असीं अपने पिंड दे विच बूटे लगाने आ, कल तो ये जिहड़े नौजवान आ ट्राली दे विच सारा समान रख के होर भी जिहड़े नौजवान साडे नगर दे हैगे आ बाकी पिंडां दे विच जाणगे, ते जिन्ना जिन्नी कु ड्यूटी सानूं जथेबंदियां ने दित्ती हुई है उन्ना जिहड़ा उपराला आ ये असीं जरूर करांगे, क्योंकि जिहड़े दरख्त हैगे आ इहनां दा लगना बहुत जरूरी आ। जदों तो दरख्तां दी कटाई हो गई आ, एक्चुअली जदों जिहड़ा कोई साडा वातावरण वा वह 33% जिहड़ा जंगल होना चाहिए, लेकिन साडा जिहड़ा पंजाब है उस कोई 3% वा, बहुत वड्डी गिणती दे विच जिहड़े आ दरख्तां दी जरूरत हैगी आ। इहदा नुकसान इह सानूं हो गया, यह पशु जिहड़े साडे पंछी हैगे आ, पंछियां दा जिहड़ा रहण बसेरा वह खत्म हो गया, वह इस करके वह जिहड़े प्रजातियां जिहड़ियां बड़ियां बड़ियां घट रहियां आ। ते पाणी दी जिहड़ी जिहड़े बारिश नहीं होया अजकल हो रही, बारिश का एक मुख कारण जिहड़ा आ इह दरख्तां दा जिहड़ा कटना, इस करके असीं इह जिहड़ा जथेबंदी दी जिहड़ी कॉल आ उहनूं असीं पूरा कर रहे हाँ। ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡ ਖਾਨਪੁਰ ਵਿਖੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਰਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਆ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਆ ਭਾਜੀ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਨਪੁਰ ਦੁਆਰਾ।
ਲੋੜ ਆ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਗਲੀ, ਹਰ ਮਹੱਲੇ, ਜਿੱਥੇ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਥਾਂ ਖਾਲੀ ਆ, ਕੋਈ ਸਾਂਝਾ ਥਾਂ ਖਾਲੀ ਆ ਪਿੰਡ ਦੀ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਖਤ ਕਿਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਾਂ ਲਗਾਈਏ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੀਏ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਦਰਖਤ ਲਗਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਦਰਖਤ ਲਗਾਉਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਉਹ ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਦੇਖ ਰੇਖ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਾਂ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਜਿਹਾ ਫੋਨ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦਾ, ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭਲਾ ਕਰੂਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦਰਖਤ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਕਸੀਜਨ ਵੰਡਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਹ ਲਊਗਾ ਉਸ ਦਰਖਤ ਤੋਂ ਅਤੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਲੈਸਿੰਗ ਆ, ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਈਕ, ਕਮੈਂਟ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਸੁਝਾਅ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣੇ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਨਾਲ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅਜਿਹੇ ਕਾਰਜ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੇ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸੋਤਾ, ਗੜ੍ਹਦੀਵਾਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।